मुजफ्फरनगर में स्थित शुक्र तीर्थ नगरी शुक्रताल में पिछले लंबे समय से गंगा की धारा लाए जाने की मांग उठती आई है, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल लगातार इस मांग के लिए प्रयास करते आए हैं, जिसको लेकर आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला कलेक्ट्रेट पर स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में एक प्रेस वार्ता कर शुक्र तीर्थ नगरी में 22 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे की जानकारी दी। देखिए, आज हम बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मुजफ्फरनगर जनपद का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रमुख तीर्थ शुक्र तीर्थ, जिसके बारे में ये मान्यता है कि शुक्र तीर्थ में श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थली है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यहाँ पर भागवत कथा सुनाई थी, तभी से इस क्षेत्र की मान्यता है। गंगा यहाँ से होकर के बहती थी और देश भर के सभी ऐसे संत जो भागवत कथा करते हैं, जीवन में एक बार शुक्र तीर्थ में आकर के भागवत कथा जरूर करते हैं, तभी उनके जीवन की पुण्याई पूरी होती है। मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ में गंगा का पवित्र धारा है, चूँकि आती कालातीत में गंगा यहाँ पर पहले बहती थी और धीरे धीरे मिट्टी कटाने के कारण से गंगा यहाँ से दूर चली गई, तो तभी गंगा का जल यहाँ पर आया, इसकी मांग लगातार चल रही थी। वहाँ के संतों के द्वारा लगातार 50 वर्ष से इसकी मांग थी। हमारे वीरपाल निर्मल जी यहाँ के वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये भी बाल्यकाल से इस काम में लगातार डटे हैं, अड़े हैं कि यहाँ पर गंगा जल आए। हमारे विजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी, हम सब मिलकर के हमारे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत जी, उनके पास भी हम गए थे, हमारे मुख्यमंत्री से मिले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिले और इसकी मांग लगातार चलती रही। बहुत प्रसन्नता का विशेष रूप में आज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा जल आए जाने की स्वीकृति शुक्र तीर्थ में प्रदान कर दी है, उसकी मान्यता हो गई है, स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री स्वयं आकर के यहाँ पे उसका शुभारंभ करेंगे। मेरे शुभारंभ तो हो चुका है, लेकिन वो खुद आकर के उसका आचमन करेंगे, गंगा की आरती करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से जिन दिन यहाँ पर होंगे उस दिन गंगा यहाँ पर आ चुकी होगी। उसकी तैयारी बहुत जल्दी है, संभवतः 22 तारीख को भी 22 जुलाई को भी आ सकते हैं। और एक वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है कि 22 जुलाई से लेकर के एक सप्ताह का अभियान है वृक्षारोपण का, सभी को वृक्ष लगाने हैं। आज मैं कई सारे इंटर कॉलेज में भी गया, इंटरमीडिएट के सभी प्रिंसिपलों की एक मीटिंग हमने की आज, जिसमें लगभग 150 प्रधानाचार्य थे, उन सबसे ये आह्वान किया कि सभी प्रधानाचार्य अपने बच्चों से आह्वान करें कि सब बच्चे अपने जन्मदिन पर जब केक काटें, बर्थडे मनाएं, दोस्तों की पार्टी करें, लेकिन एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ऐसा आह्वान भी हमने प्रधानाचार्य के माध्यम से बच्चों से किया है। पार्टी का संपर्क अभियान भी चल रहा है, मिस कॉल का कार्यक्रम चल रहा है, इस प्रकार से पार्टी के बहुत सारे लगातार कार्यक्रम भी चल रहे हैं।